एम साहब जान लग रहे हैं बस। अब चलते हुए आ जाओ, बोलना बोलना। हमारा लेखन हम 2 महीने से नहीं आगे बढ़ता। आगे तो क्यों, पूरा बोलूंगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन जिलाध्यक्ष गौतम भजनगर बालकृष्ण नागर, अपनी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ आए हैं। हमारे परिसर में भत्ता वेतन नहीं मिल पाया है और हम अपने विभागीय समस्याएं और गैर विभागीय समस्याएं झेलते हुए अपनी ड्यूटी बड़ी निष्ठा और मुस्तैदी से करते हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी संस्था है, यद्यपि भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं है और सभी वैतनिक हैं, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हमारी पुलिस फोर्स बल हो या हमारे कंपनी के भी कोई कर्मचारी हैं, वे भी वेतन पाते हैं। केवल हम लोग वेतन नहीं पाते, हमें केवल भत्ता मिलता है। और समस्या जब आती है, जब हमारा भत्ता समय पर नहीं मिल पाता है तो कभी हमारी जो चुनाव ड्यूटी का भत्ता लेट होता है, कभी कुंभ की मेले की ड्यूटी का भत्ता लेट होता है, कभी अतिरिक्त ड्यूटी का भत्ता लेट होता है। और इस समय पर समस्या और भी ज़्यादा विकट गंभीर हो गई है कि ठंडी का मौसम है, हमारा 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। कुछ थानों से 4 महीने का वेतन भी नहीं मिल पाया है। बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या को लेकर आज हम डीएम महोदय के पास आए हैं कि हमारी ये समस्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास पहुंचाई जाए और मुझे अपने जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पर पूरा आशा और भरोसा है कि हमारी समस्या का निदान वो तुरंत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अनिल कुमार है, 936 दादरी गौतम भजनगर। आज किस लिए आप ज्ञापन देना है, क्या हुआ? हम बहुत बड़ी समस्या लेकर आए डीएम महोदय के लिए, सर्दी को लेकर। तब क्या हाँ कही थी तो यही बातें आ रही थी कि हर 5 तारीख में, अब 2 दिन में, अब 4 दिन में उसका कोई भी निश्चितकरण नहीं निकला। 4 महीने बीत गए तब भी सैलरी नहीं लगता कि अब आपकी जो सैलरी है वो आ जाएगी। हमें आज भी भरोसा नहीं आ रहा कि हमें सैलरी मिल जाएगी।